चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे जींद का। आज वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल करा रहे, दिखाते हैं आपको। बहुत ही मौजूद मेहमान और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के मालिक विपल देव जी, बहुत ही अच्छे से अच्छा सोच रखने वाले, बहुत ही बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान, इस समय के एमएलए मेरे अजीज मोहनलाल बड़ोली जी, भाई थोड़े नाम लूंगा, सबके नाम लूंगा तो फिर देर हो जाएगी, जो बात मैं कहना चाहता हूं कह नहीं सकूंगा। हमारे पवार जी इस समय एमपी हैं, पहले मिनिस्टर रहे। हमारे मेरे अजीज अभी जो मेरे साथ शामिल हुए अनूप धानक जी, देखते ना कितना मान कर रहा हूं चोरे। मेरे अजीज बहुत ही दानी पुरुष भाई जोगीराम जी सिहाग, विनोद ध्याना जी, और अभी जो मेरा अजीज मेरे को उलाना दे रहा था, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, कई मंत्रालय का मालिक मेरा अजीज कैप्टन अभिमन्यु जी, जिसने मुझे कहा कि जी नकली दादे नकली पोते काम नहीं आया करते, पोते तो असली काम आया करे, तेरे भाग बहुत अच्छे हैं, आज मैं यहां हूं, बहुत लकी है तू। मेरे अजीज हांसी से विधायक विनोद ध्याना जी, और भाई नाम ये मिसिज विनोद शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी, और भाई सारे समझ लो सबके नाम ले दिए, महिपाल ढांडा जी, और सभी स्टेज पे बैठे हुए नेतागण, और मेरे सामने हरियाणा के भाग्य विधाता मेरे बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, और मेरे पत्रकार और चैनल के मेरे भाइयों, मैं आज जो आया हूं यहां, जो पार्टी ज्वाइन की मैंने, यू ना सोचना वैसे ही आया हूं, जो हरियाणा में रुका पड़ रहा है, कांग्रेस की हुकूमत आएगी 200% नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, लिख लो मेरी बात को। क्यों बनेगा समझ लो, राज वही अच्छा होता है जो सबको सबका हक दे, राजा वही अच्छा होता है जो अपनी संतान में से भेदभाव ना करे, उनको अपनी जनता को अपनी संतान की तरह ट्रीट करे, और उस प्रदेश में देश में बसने वाले सभी लोग ये समझें कि ये राजा नहीं है, हमारा पिता है, हमारा संरक्षक है। मैं समझता हूं ये खूबी नायब सैनी में जरूर है, जो मैंने महसूस किया।
मनोहर लाल खट्टर जी ने जब हरियाणा में शुरू किया अपना कार्यकाल, उससे पहले हमने अनेक शासन देखे हैं, अनेक चीफ मिनिस्टर देखे हैं। उस समय लिस्ट का, पर्ची का जमाना था, मेरिट का कोई मतलब नहीं था। चाहे वो राज हो जिसमें बीजेपी भी सीरी थी, मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी शानदार रवायत शुरू की। जो आदमी सोचता था चपरासी लगेगा तो किसको पकड़ूं, सिपाही लगेगा तो किसकी सिफारिश ढूंढूं, आज जो सिपाही लगने की नहीं सोचता था, खट्टर साहब के राज में डीएसपी लगा, इंस्पेक्टर लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी गई। बहुत लोग जो बहुत नफरत करते थे खट्टर साहब से, बीजेपी से भी करते हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते उन आला आला का राज होता, उसमें कुछ ठावे था कि नहीं जो खट्टर साहब के राज में मिला। ये छोटी बात नहीं है, उन्होंने ये देखा ही नहीं। खट्टर साहब ने, तेरे खिलाफ वाला है, तेरे हक वाला है, नहीं भाई मेरिट में कोई आओ। एक मेरा अजीज है अमरदीन, मेरा ड्राइवर है, मुसलमान बरादरी से मेरा बच्चा है, मैंने उसके साथ मैंने उसको भर्ती कराया था पुराने वक्त में। मैं उसको समझा रहा था, अरे बेटे तेरे तीन रिश्तेदार लग गए खट्टर साहब के राज में, आ बोले के लूटेगा, इससे बढ़िया सरकार कोई हो नहीं सकती थी। कई भाई संविधान का वास्ता देते हैं, संविधान, अरे नौकरी गिनो, सबसे ज्यादा नौकरी तुम्हें मिली है, क्यों नफरत करते हो, क्यों नफरत करते हो बीजेपी से। और भाई कई भाई जो यू कह दी हरियाणा तो मारा था, अरे यो कुकर खट्टर आया उरे। मेरे भाइयों, हम सब का यो देश है, सब का हरियाणा है, हम सब इसमें बसने वाले इस देश में सारे भाई हैं, सारे सब एक हैं, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। और ये जात पात ऊंच नीच भेदभाव, ये इस देश का सत्यानाश करने की सबसे बड़ी बीमारी है। और ये भ्रष्टाचार, इसने बीज मार दिया इस देश का। भाई खट्टर साहब ने और भी कई अच्छे काम किए थे, इलीगल कॉलोनी सारी लीगल कर दी, नहीं तो बहुत परेशानी से गुजर रहे थे लोग। और उसके अलावा हमारे ड्राइवर थे बेचारे एमएलए के, उसका पास उसको एमएलए दे था तो दे था, नहीं तो नहीं दे था। 20,000 रुपए महीना कर दिए, पीए की तनख्वाह बढ़ाई 20,000 रुपए। और उसके अलावा एमएलए हॉस्पिटल के सामने सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बहुत शानदार पार्क बनाया। बहुत चीजें हैं जो सारा गिनान लगू। अरे मैंने एक दिन यू कह दिया विधानसभा में, खट्टर साहब आप तो चीफ मिनिस्टर बन गए, आपका तो वक्त कट गया बिना ब्याह का कुआरे का है। मका ये जो 35-35, 40-40 साल के हो गए, कुआरे मरेंगे, मका आपने कोसेंगे। अगले दिन 40 साल के अनमैरिड की 3,000 रुपए पेंशन बना दी खट्टर साहब ने। बहुत बड़ी बात की, छोटी बात नहीं। और भाई दूसरी बात, मैं मोदी जी के बारे में, बीजेपी के राज के बारे में 2 मिनट में कह के, और क्योंकि बोलने वाले भाई अभी वीवीआईपी लोग हैं, मैं तो साधारण सा आदमी हूं। मोदी साहब ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा प्राइम मिनिस्टर बन के, जो सोच नहीं सकता था, 370 धारा हटाई, कालदा कांपया करता उस तरफ देखते वक्त भी, कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। कोई छोटा काम नहीं था। राम मंदिर का निर्माण, कई भाइयों कहते थे जी अभी 10 साल छेड़ो ना, छुओ ना,
राम मंदिर का निर्माण कराया। और भाई ये हमारी मुसलमान बहन बेटियां, ट्रिपल तलाक इन पर बड़ा खतरनाक था, उसको खत्म कर दिया। महिलाओं को कितना सम्मान दिया, एमएलए एमपी में एक तिहाई रिजर्वेशन, और उसके अलावा बहुत बड़ा जो काम किया, हर आदमी प्राइम मिनिस्टर तक का भी झाड़ा ले लिया करते, तलाशी ले लेते थे एयरपोर्ट पे, मनमोहन सिंह जी की पगड़ी उतरवा ली थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का बहुत भारी मान बढ़ाया, कोई छोटी बात नहीं है। तो भाई सारी चीजें गिनाने लग जाऊं बहुत समय लग जाएगा, मैं केवल इतना कहने आया हूं कि भाई बीजेपी को बनाओ और भाई नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ, आपको मिलेगी सबको सबका हक देने वाली सरकार। और नहीं तो मेरे भाइयों, रो के मर जियो, किसी को कुछ नहीं ठहरेगा, ये मैं आज कहने के लिए आया हूं। दूसरी बात, मैंने अभी नायब सैनी जी से कहा था, मगर मेरा बेटा नायब सैनी जी पॉलिटिक्स से नफरत करता है, पॉलिटिक्स से दूर है, वो जुडिशरी में जाना चाहता है, उसकी उसका लिंक है, बहुत अच्छा वकील है, और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की का प्रेसिडेंट रहा है। वो कहता है पापा राजनीति तो सिर्फ मैं आपके इलेक्शन में करता हूं, उसी वक्त आता हूं, मेरी कोई रुचि नहीं, लेकिन मुझे एक बार इस आप वाली पार्टी में भी शामिल करा दो जिसमें आप शामिल हो रहे हो। तो मैंने नायब सैनी जी से प्रार्थना करिए भाई उसको भी शामिल कर लो। आया हुआ, आ जा बेटा। आपने सबने यूं बताओ, राज बनाओगे कि नहीं? नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं? शाबाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।